जल्दबाजी हो फ्रेंड्स और खाने का मन करे मसाला डोसा, तो बहुत ही कम समय में झटपट ये मसाला डोसा और साथ में मूंगफली का चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली का दाना डाला है और 1 कटोरी मैंने इसमें चना दाल डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है। और ये देखिए अच्छे से मूंगफली जो भुना गया है, इसका जो छिलका है निकल रहा है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसके जार के अंदर डाल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और एक हरा मिर्च डाल के मैंने यहाँ पर पीस लिया है। तो मैंने यहाँ लहसुन नहीं डाला है, आप चाहे तो लहसुन डाल सकते हैं। तो इसका तड़का मैं रेडी कर लेती हूँ। तड़के के लिए पैन में 1 चम्मच तेल डाला, सरसों के दाने, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च डाला, अच्छे से तड़क गया है, तड़का रेडी हो गया है। चटनी के ऊपर से डाल दिया और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और सभी को अच्छे से मिला दिया है। चटनी हमारा रेडी हो गया, साइड में मैं रख देती हूँ। पैन को मैंने वापस से गैस पर रखा, 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है और इसमें थोड़ा सा सरसों का दाना डाला है और इसमें मैंने उड़द का दाल और चना का दाल मिलाकर डाला है और एक मैंने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च को इस तरह से डाला है और हल्के से पहले से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर सूखा मैंने 3-4 करी पत्ते डाले हैं, आप चाहे तो इसके जगह फ्रेश करी पत्ते भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें धनिया का पाउडर डाला है। मसालों को भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुंजा गया था, तब तो बॉयल मसाला हुआ आलू को मैंने डाल दिया और 2 मिनट इसे भी मिलाकर भून लिया था। चटपटा फ्लेवर के लिए यहाँ पर चाट मसाला डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और अच्छे से मिला दिया है। आलू मसाला रेडी हो गया, साइड में मैंने रख दिया है। मैंने उड़द दाल और चावल को पहले से भिंगो कर रखा है, तो नॉर्मल चावल है फ्रेंड्स जो डेली मैं यूज करती हूँ, वही चावल को मैंने भिंगोया है। तो इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल, आधा कटोरी मैंने उड़द के दाल डाला और अच्छे से ये 3-4 घंटे तक छोड़ दिया था तो फूल गया है। तो इसे जार के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाला है और इसे पीस लिया है। ये देखिए तो थोड़ा सा जार में लगा हुआ था तो अच्छे से धोकर और इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाला है और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बिल्कुल घोल को आपको इस तरह से रखना है, ना ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, घोल बिल्कुल इस तरह से ही तैयार करना है डोसे का। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पैन रखा है और हल्का सा ऊपर से तेल लगा दिया। तेल लगाने से डोसे है जो चिपकेंगे भी नहीं और आसानी से निकल जाते हैं। तो इसे फर्स्ट बार ही तेल लगाना है, दोबारा तिबारा आप अगर डोसा बनाते हैं तो तेल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नीचे से अच्छे से डोसे है जो पक गया है, तो ऊपर से मैंने सेजवान चटनी डाला है और इसे अच्छे से इस तरह से फैला देना है। इसी डोसे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं डालूंगी ऊपर से जो आलू मसाला मैंने रेडी किया है वो मैं डाली हूँ। ये देखिए आलू मसाला मैंने डाल दिया है, ऊपर से मैंने डाला है मेयोनीज। इससे टेस्ट है जो डोसे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इसे खाकर आप देखिएगा इतना ये टेस्टी और लाजवाब डोसा लगता है कि आप हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ये करारा सा डोसा है जो बनकर रेडी हुआ है, आपको देखने से ही लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो आप यकीन माने फ्रेंड्स, जितना आपको दिखने में ये करारा लग रहा है खाने में भी उतना ही ये डोसा टेस्टी है और ये बहुत ही कम समय में झटपट है जो बनकर रेडी हो जाता है। आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा इसे बनाने में और बच्चे तो इसे खुशी से खाएंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में और लंच में बच्चों को आप दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चटनी और आलू मसाला के साथ सर्व किया है जो खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यकीन माने फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने में प्लीज़ सपोर्ट करें।